हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में जो आपके लिए जॉब अपडेट है वो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी की कुल 411 वैकेंसियों पे नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी 411 वैकेंसियों पे बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में तो 9 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, उसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ₹125 फीस रखी गई है। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो फीस रखी गई है वो ₹65 रखी गई है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ ₹25 फीस पेमेंट करनी होगी। इसमें बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 21 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट इन सभी वैकेंसियों पे 40 साल रखी गई है और आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 जुलाई 2023 है। यानी कि 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट इन सभी वैकेंसियों पे चेक की जाएगी। अब इसमें बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में तो रिव्यू ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि कैंडिडेट ने अगर यहाँ ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन से तो वो रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट पे आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कर रखी हो। ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया यहाँ भी सेम है, कैंडिडेट ने किसी भी डिसिप्लिन से कर रखी हो तो आप इन पोस्ट को अप्लाई कर सकोगे। लेकिन असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट पे ग्रेजुएशन के साथ साथ दो क्राइटेरिया और रखे हैं जिसमें कि कैंडिडेट ने जो है वो ओ लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो कंप्यूटर में और कैंडिडेट की जो है वो हिंदी की टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट हो। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो ये सारा क्राइटेरिया मीट करते होंगे वो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब सैलरी की अगर बात करें कि इन दोनों ही पोस्ट पे सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को क्या सैलरी दी जाएगी, क्या पे स्केल है और क्या बेसिक पे रहेगा तो उसकी डिटेल की बात करें तो रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट का जो पे स्केल है वो ₹47,600 से लेकर ₹1,51,100 के बीच में है और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट का जो पे स्केल है वो ₹44,900 से लेकर ₹1,42,400 के बीच में है। अब इसमें बात करते हैं इन सभी 411 वैकेंसियों पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन यहाँ पे जो होगा वो दो स्टेजेस के एग्जाम के बाद होगा। पहली स्टेज पे कैंडिडेट का प्री का एग्जाम होगा, प्री का एग्जाम जो आपका है वो कुल 200 नंबर का है। दूसरी स्टेज पे कैंडिडेट का मेंस कंडक्ट किया जाएगा और मेंस के लिए कुल 400 नंबर रखे गए हैं। और इस एग्जामिनेशन स्कीम की डिटेल की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए अगर प्री के पेपर के बारे में तो प्री में आपके कुल दो एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। पहला एग्जाम जो होगा वो जीएस का होगा, जीएस के पेपर में कुल 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 140 नंबर का आपका पेपर रहेगा और इस पेपर को पूरा करने के लिए कैंडिडेट को कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर जो प्री में होगा वो जनरल हिंदी का होगा, हिंदी में कुल 60 क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाएंगे, 60 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा और इस पेपर के लिए कैंडिडेट को कुल 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों पेपर के नंबर मिलाकर आपका जो प्री का टोटल स्कोर होता है वो 200 नंबर होता है। इस प्री के एग्जाम को जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुली क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में जो आपका सबसे पहले पेपर होगा वो जीएस का होगा जिसमें कुल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर का आपका ये पेपर होगा, 2 घंटे का समय इस पेपर को करने के लिए कैंडिडेट को दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का जो है वो जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग का जो सेक्शन है उसके एग्जाम होंगे जिसमें कि जो सबसे पहला आपका पेपर होगा वो कन्वेंशनल पेपर होगा, ये पेपर कुल 100 नंबर का होगा, इस पेपर के लिए कैंडिडेट को 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर जो होगा जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग में वो जनरल वोकैबुलरी का होगा, ये पेपर कुल 60 नंबर का होगा, इस पेपर के लिए कुल 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तीसरा पेपर जो यहाँ पे होगा वो हिंदी ऐसे का होगा, ये पेपर भी कुल 120 नंबर का है और इस हिंदी ऐसे के पेपर को करने के लिए कैंडिडेट को कुल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके मेंस के सभी एग्जाम जो है कंडक्ट किए जाएंगे और मेंस के सभी एग्जाम का अगर हम टोटल देखें तो आपका 400 नंबर का ये मेंस का पेपर होगा। तो इस तरीके से आपका प्री और मेंस का एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा और इन्हीं एग्जाम के बेसिस पे कैंडिडेट का यहाँ फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।